मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नवनीत कौर एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ वी विल डू अवर कैलकुलेटिव पार्ट. एज रविंदर सर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल इट्स इंट्रो पार्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ वी विल डू इट्स कैलकुलेटिव पार्ट. एज सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्लॉटेड देयर रीडिंग्स एंड ट्रेसेस देयर कर्व्ड एज यू आर सीइंग हियर. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी जो है एक स्टूडेंट ने जो है ये कर्व प्लॉट करी है, ठीक है. तो आपने क्या करना है, ये अलग अलग जो रेजिस्टेंस पे आपकी कर्व प्लॉट हो चुकी हैं, तो ये आपके पास ट्रेसिंग पेपर के ऊपर ये जो कर्व प्लॉट्स हुई हैं आपके पास ऑलमोस्ट 6 to 7 ये आपके पास कर्व्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. हर एक रेजिस्टेंस पे जो आपने कर्व प्लॉट कर लेनी है, जैसे 3 आपने ओम पे करी, 2 ओम पे करी, 1 ओम पे, 6, 7, 8 जो उसके आपके पास स्केल के ऊपर रीडिंग आपने पहले देखी है, ठीक है, उस ऑब्जर्व आपने वहाँ से क्या कर लेनी है, उस रीडिंग्स के ऊपर ये कर्व को कर लेना है ट्रेस. तो हम एक जो कर्व है जो आपकी सपोज ट्रेस हो चुकी है उसको आपने बीच में से हमने ऐसे जब आप करोगे इसके ऊपर ड्रॉ, इधर जब आप इसको इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपने इसका प्लस सेंटर में हाफ पोर्शन, जैसे आपके पास एक कर्व आ रही है आपने इक्वल ऊपर रखनी है, इक्वल उस तरफ रखनी है, इक्वल एक्सेस से होनी चाहिए. आप यहाँ से देख सकते हैं 1, 2, 3 पे टच कर रहा है, 1, 2, 3 पे टच कर रहा है, ये तो एक्सेसिस पे इक्वल डिस्टेंस है. वाई एक्सेस पे भी देख लेते इक्वल है या नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं कर रहा, तो इसको इक्वल करेंगे ऊपर और नीचे से. ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितना एरिया इनक्लोज्ड सेंटर के ऊपर आ रहा होता है उतना एरिया इनक्लोज्ड उसके नीचे भी आ रहा होता है, ठीक है. तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, हम अपनी जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हम कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं उसको, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोनों एक्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे रखेंगे. तो इक्वल डिस्टेंस पे जब हम रखेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का साइन जरूर प्लॉट करेंगे ताकि हम जो है अपनी कैलकुलेशन ईजिली परफॉर्म कर पाएँ. तो एक टर्व कर्व हमने यहाँ से जो है वो ट्रेस कर ली हुई है. अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे बच्चे, आपने इसको ग्राफ पेपर का एक प्लस साइन को इसके प्लस साइन के ऊपर इस तरह से रख दोगे और इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है. पेस्ट करने के बाद अब ये आपके पास आ गई है इसकी कर्व, ठीक है. अब ये जो कर्व आ चुकी है आपके पास, अब हमने ये जो एरिया इनक्लोज आ रहा है ऊपर वाला निकालना है. ये कैसे आएगा आपके पास, अब इसको आप, मैं इससे ऊपर दिखा रही हूँ. जैसे सपोज आपके पास ऐसे आपने ये जो कर्व ट्रेस करी हुई है, ठीक है, ये आपके पास बीच में है प्लस का साइन, तो आपके पास ये एक पूरा बॉक्स, ये एक पूरा बॉक्स है. जो अगर हम ये वाला बॉक्स देखें, ये ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 अभी सिर्फ पढ़ना बता रही हूँ, लेंगे हम अंदर वाली रीडिंग्स. इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 तो 5x5 का ये छोटा बॉक्स है. पहले इसका पढ़ेंगे हम लीस्ट काउंट. स्केल कैसे पढ़ेंगे, देखो ग्राफ का लीस्ट काउंट ऑफ ग्राफ. इसमें 10 जो डिवीजन्स हैं वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगी, 1/10 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है. लेकिन मुझे रीडिंग लेनी है mm में, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 0.1, इसका जब डेसिमल हटेगा तो 1/10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 1 mm आ गया इसका लीस्ट काउंट ऑफ ग्राफ इन mm में, ठीक है. अब इसका मतलब एक जो छोटी सी आपकी ये डॉट है वो किसके इक्वल होगी, 1 mm के. इसी तरह से अगली डॉट अगले mm 1 mm के इक्वल होगी, ठीक है. इसी तरह से जैसे जब बच्चे मैं ये कर्व ट्रेस इसके ऊपर कर दूंगी, इसको देखो आपने जब ये प्लॉट कर दिया तो आपके पास अब आपने जितनी आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए आपको ये रीडिंग्स दिखाई दे रही है नीचे वाली ग्राफ की, अब आपने काउंट करनी शुरू कर देनी है. जैसे ये एक पूरा बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स पे टिक कर लोगे और एक नहीं है इसमें, तो ये 24 होगी, तो रफ में आप क्या लिख लोगे, 24 mm. फिर इसी तरह से इसमें कितनी नहीं है, इसमें 3 रीडिंग कट हो रही हैं, हाफ हाफ आप 1 मान लोगे, तो फिर इसको काउंट कर लोगे, इस पर टिक कर लेंगे, 3 गई इसमें से बची कितनी, 25 में से 3 गए, 22 mm, ठीक है. तो इसी तरह से आपने फिर ये तो कंप्लीट बॉक्स आ रहा है, इसको लिख लोगे 25, फिर इस तरह से ये भी आ जाएगा 25, ये भी आ जाएगा 25, इस तरह से ये भी 25, 25 में से 1 गए 24. इस तरह से आपने पूरी जो है ऊपर काउंट कर लेनी है, आधी आधी को 1 मान लोगे, तो ऊपर वाला जो रीजन आ जाएगा एरिया इनक्लोज्ड
एरिया इसमें आपने लिखना है जो इसका एरिया आ रहा है। एरिया इंक्लोज वो तो सिर्फ ऊपर वाला आया है ना, हमने नीचे वाला तो किया ही नहीं काउंट, तो हमने तो टोटल एरिया निकालना है, इसलिए आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करा देना है, टू के साथ। जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको टू, सपोज ए आ गई आपके पास, वो रीडिंग आ जाएगी ए एम एम स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ एरिया क्या आ जाएंगे, ए एम एम स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने इस कर्व की बी मैक्सिमम निकालनी है, वो कितनी आ रही है, ये होती है आपके पास इस कर्व की कितनी बी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, वो कैसे आएगी, वैसे ये 10, ये 20, ये यहाँ तक ये हो गया आपके पास 10, ये 20, इधर 25, 26, 27, तो बी मैक्सिमम कितनी आ गई, 27 mm, समझ आ गई बात। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सारी कर्व्स इस तरह से इसके ऊपर प्लॉट रख दी जाएंगी ग्राफ के ऊपर, अलग अलग कर्व्स अलग अलग रेजिस्टेंस के ऊपर, इसको आपने जो है वो पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद एक ग्राफ पे ये कर लोगे, नेक्स्ट ग्राफ पे और कर्व ट्रेस कर लेंगे, फिर इसके बाद आपने ये एरिया इंक्लोज निकाल लेना है। एरिया निकालने के बाद उसको टू से टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल एरिया इंक्लोज आएगा। फिर हर एक के लिए आपने बी मैक्सिमम निकालनी है। उसके बाद अब आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपने क्या करना है, ये है आप बनाओगे अब ऑब्जर्वेशन टेबल। देखो बच्चे, पहला है सीरियल नंबर, ये तो इसमें कुछ नहीं है, 1, 2, 3, 4 जितनी आपने ट्रेस करी हैं वो लिख दोगे। एरिया इंक्लोज इन बी एच कर्व, ये आपने जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था ए एम एम स्क्वायर, तो यहाँ पर जो भी आएगा आपके पास एम एम स्क्वायर में रीडिंग आ जाएगी इसकी। बी मैक्सिमम की रीडिंग अगेन किस में आएगी, एम एम में, ये भी रीडिंग हमने पढ़ ली ट्रेसिंग कर्व से, ये भी रीडिंग हमने पढ़ ली ट्रेसिंग कर्व से। अब आपने लॉग ऑफ एरिया निकालना है, फिर लॉग ऑफ बी मैक्सिमम निकाल लेंगे, लॉग निकल जाएगा दोनों का। अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में, लॉग ऑफ बी मैक्सिमम के बीच में और लॉग ऑफ एरिया के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने सपोज ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, लॉग ऑफ आपके पास बी मैक्सिमम, इधर लॉग ऑफ एरिया, तो आपके पास ना स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। आपके कुछ पॉइंट्स एरर भी आएगा, कुछ पॉइंट ऊपर आ रहे होंगे, कुछ ऐसे आ रहे होंगे, कुछ कर्व के ऊपर आ रहे होंगे आपके पॉइंट्स पास पॉइंट्स, तो चाहे तीन ही पॉइंट्स क्यों ना आए आपके पास, आपने उन पॉइंट्स को स्ट्रेट पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व है। जब आप क्या करोगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे परफॉर्म, तो आपके पास ये वाला स्ट्रेट लाइन पे जो से पॉइंट्स आ रहे हैं उसको मीट करा लेना है। अब जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, अब आपने उस पर निकाल लेनी है स्लोप। स्लोप आपको निकालने आती है, कोई भी टू पॉइंट जो आपकी लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो आपने ले लेने हैं। एक्स एक्सिस पे ले लोगे x1 x2, वाई एक्सिस पे y1 y2। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, y बाई एक्स, यहाँ पर क्या आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आप पुट करोगे आपके पास आ जाएगी स्लोप। तो स्लोप निकालने के बाद इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है आपके पास, स्लोप निकल जाएगी, बस कैलकुलेटिव पार्ट इतना ही है। जो आएगी आपके पास इसकी वैल्यू 1.3 से लेकर 1.7 तक वेरी करती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.6। तो आपने बीएच कर्व आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ से आपने स्ट्रेट लाइन आई आपके पास, और ये वाला लॉ जो है आपके पास वेरीफाई हो जाएगा जो आपको सर ने ऑलरेडी बता दिया है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो तुमने निकाली है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज स्पिटन लॉस, ये जो होती है स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1.6, और जो आपकी एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म होकर जो भी आएगी इसके नियर अबाउट आनी चाहिए। तो ये आपके पास था जोन सा आपके पास पूरा कैलकुलेशन आपने कैसे परफॉर्म करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।